उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव जैतोहली में छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंधों में बाधा बनने पर बड़े भाई पप्पू ने छोटे भाई समरपाल की हत्या कर दी और हत्या करके उसके शव को गन्ने के खेत में छुपा दिया और पूरा मामला दबाने की भरसक कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले से पर्दाफाश करके आरोपी बड़े भाई पप्पू और मृतक समरपाल की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदेही पर मृतक समरपाल का शव खेत से बरामद हुआ है। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमरोहा के पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जानकारी दी और हत्या आरोपी देवर और भाभी को मीडिया के सामने पेश किया गया। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव जयंतोली निवासी समरपाल पुत्र करण सिंह 1 जुलाई से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मृतक समरपाल की पत्नी ने हसनपुर कोतवाली में दी थी। ग्रामीणों के शक होने पर पुलिस ने समरपाल की पत्नी तथा बड़े भाई पप्पू से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस को बताया कि मृतक समरपाल की पत्नी से पप्पू के अवैध संबंध थे, लेकिन समरपाल इन दोनों के अवैध संबंधों के बीच में बाधा पहुंचाता था, जिसकी वजह से समरपाल के बड़े भाई पप्पू और समरपाल की पत्नी ने अपने बीच की बाधा को दूर हटाने के लिए चमारपाल की हत्या का प्लान बनाया और 1 जुलाई को समरपाल की उन्होंने ही गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद समरपाल के शव को गन्ने के खेत में दबा दिया था। मंगलवार को पुलिस ने मृतक की पत्नी तथा भाई पप्पू की निशानदेही पर मृतक समरपाल का शव गन्ने के खेत से बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मृतक की पत्नी तथा भाई को पुलिस हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बाइट विपिन टाडा, पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा, रिपोर्ट मयंक शर्मा, अमरोहा। थाना हसनपुर में 16 जुलाई को एक महिला ने आकर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पति गुम हैं 1 जुलाई से। पुलिस ने जब इनिशियली जांच शुरू की गुमशुदगी की जांच शुरू की तो पुलिस को गांव में जानकारी हुई कि यह युवक 1 जुलाई से गायब था, परंतु इनकी पत्नी ने थाने पर 16 जुलाई को जानकारी दी और गुमशुदगी दर्ज करवाई। इस पर पुलिस का शक इनकी पत्नी पर गया और आसपास छानबीन में पता चला कि पत्नी और देवर में कुछ संबंध बन चुके थे, जिनको लेकर जो महिला है उनका अपने पति से विवाद चल रहा था लगातार। इस पर जब देवर और जो महिला है उनको हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो जानकारी में आया कि उन्होंने स्वीकार किया कि दिनांक 1 जुलाई को इनका जो हस्बैंड है, जो मृतक है, वो शराब पीकर आया और उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। इसी दौरान धक्का मुक्की में वो नीचे गिरा, उसका सर पत्थर से लगा, जिस पर कि उनकी खून बहा गया और मृत्यु हो गई। जो महिला है उसने अपने देवर को बुलाया और दोनों महिला और देवर ने गांव के एक खेत में उसको ले जाकर दबा दिया रात में अंधेरे में। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर खेत से अवशेष बरामद किए हैं शव के, जिनको की जाँच के लिए भेजा जाएगा और दोनों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। क्या सर, दोनों के बीच में अवैध संबंधों की बात सामने आई है? हाँ जी, गांव वालों के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि इन देवर भाभी के संबंधों को लेकर जो पत्नी है और पति में तनाव व्याप्त था और अक्सर झगड़े हुआ करते थे। पति भी काफ़ी समय पूर्व एक्सीडेंट हुआ था, जिससे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और उन्हें शराब पीने की आदत लग गई थी, इसको लेकर भी झगड़े होते थे और यही पूरे प्रकरण में उनकी मृत्यु का कारण बना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।